एमपी में शराब दुकानों की है कैसी सीलबंदी। तालाबंदी के बावजूद शराब माफियाओं ने खोज निकाला अवैध काली कमाई का चौंकाने वाला फॉर्मूला। लॉकडाउन का उड़ा मजाक, प्रदेश भर में चल रहा शराब तस्करी का नया तरीका। बाहर से शराब दुकानों में शटर का ताला लॉक और रात के अंधेरे में होने लगा शराब का खेल। चोरी चुपके देशी विदेशी शराब दुकानों से होले होले सील तोड़ गायब हुई शराब। जबलपुर में खुल गई शराब दुकान संचालकों के काले कारनामों की असली पोल, फिर भी प्रशासन है मौन। एक कहावत खूब प्रचलन में है, जब सैया बए कोतवाल तो फिर डर काय का। जी हाँ, ये अजब गजब असली दास्तां इन दिनों कोरोना काल के दौरान देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने संकट को अवसर में बदलने की एक नेक अपील देशवासियों से की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो मानो अब सब कुछ उल्टा पुल्टा ही दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। प्रदेश भर में उक्त कहावत को चरितार्थ करने में शराब माफिया इन किन प्रकारण दिन रात जुटे हैं। आखिर जुटे भी क्यों नहीं, अब तक वो अवैध काली कमाई के लिए सारे दांव पेच करते रहे हैं और अभी भी करने में लगे हैं। कोरोना काल में उन्हें तो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने की पड़ी है, इंसानियत का क्या, वह तो फिर कभी भी आ जाएगी। अभी कोरोना है, अवैध कमाई का मौका है, जितना काला धन कमा लें। किलर कोरोना के मकर जाल में फंसे प्रदेश भर के शहर, दर शहरों में कर्फ्यू है तो भी क्या हुआ, शराब दुकानों में जगह जगह सील बंदी है तो भी क्या, उन्हें तो जैसे तैसे भी अपनी काली कमाई को अंजाम तो देना ही है। सील बंदी का मजाक उड़े तोड़े आखिर किसको परवाह है। इन दिनों समूचा प्रदेश कोरोना जैसे सबसे बड़ी जानलेवा महामारी के संकट में है। लोगों को बचाने के खातिर शिवराज सरकार ने ही प्रदेश भर की देसी विदेशी शराब दुकानों में झिझकते हुए ही सही, लेकिन सीलबंदी तो करवा ही दी है ताकि भीड़भाड़ को रोका जा सके। अब इस सीलबंदी में भी अवैध कमाई का नया फार्मूला प्रदेश भर के शराब माफियाओं ने खोज निकाला है, जो काफी चौंकाने वाला है। जबलपुर के घमापुर थाना इलाका स्थित शीतला माई देसी शराब दुकान में एक ऐसा ही हैरत अंगेज चोरी का मामला पकड़ में आया है, जहां कोई साधारण चोर नहीं बल्कि दुकान संचालक खुद ही पर्दे के पीछे से अपनी ही सीलबंद शराब दुकान में आधी रात दुकान से शराब की बोतलें गायब करवाते नजर आया है, वह भी स्वेटर से सील तुड़वा कर। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। खुद अपनी ही शराब दुकान में चोरी करवाने की नौटंकी करने वाले शराब माफिया थाने तक जा पहुंचे। हिम्मत तो देखिए इनकी, अब काले कारनामे सामने आने पर भी जिम्मेदारों की खामोशी खुद ब खुद कई सवालों को जन्म दे रही है। गौरतलब है कि जिस दुकान से जितनी शराब चुपके से गायब करवाई गई, उसी शराब को बाहर दुगना तिगुना दामों में काला बाजारी भी तो की गई होगी, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसकी जांच जरूरी, जरा सोचिए, जबलपुर का मामला तो एकमात्र ताजा तरीन उदाहरण है। ऐसा ही हाल प्रदेश भर की ज्यादातर देशी विदेशी शराब दुकानों का है, जहां दुकान संचालक जिम्मेदार अफसरों के साथ मिलीभगत पूर्वक रात के अंधेरे में चोरी चुपके हजारों बोतल शराब सीलबंद दुकानों के पीछे दरवाजे से निकलवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे ही मामले अभी भी प्रकाश में नहीं आने से काला बाजारी से बचे हुए हैं। इतना ही नहीं, हकीकत तो यह भी है कि अवैध शराब की कालाबाजारी प्रदेश भर में धड़ल्ले से जारी है, लेकिन ले देकर आखिरकार सवाल वहीं पर फिर अटक गया है कि आखिर इन हरकतों को वह भी संकट की घड़ी में
रोकेगा कौन? प्रशासन, पुलिस या फिर आबकारी?